स्कूल गया बच्चा, पता नहीं कब आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो बस तो चला गया, पता नहीं और कुछ नहीं हुआ, चलता या नहीं। टिकट कन्फर्म होना चाहिए था, नहीं होगा पता नहीं, टिकट नहीं होगा तो क्या होगा, अगर हम नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, तो रुक जाएंगे। कितने चलते हैं बोलो ना। लेकिन इन संकल्प को स्टॉप करने के लिए बहुत अच्छे तरीका है जो पापा ने कहा है, आप करके देखो, बड़ा मजा आया। करोगे सुबह से लेकर शाम तक? क्या बोला? मैंने क्या बोला? सुबह से लेकर शाम तक। क्या बोला? सुबह से लेकर शाम तक हम इस शरीर के द्वारा जो कर्म करते हैं, सबसे पहले ये ट्रेनिंग जो हम कर रहे हैं, रोज ट्रेनिंग कर रहे हैं, संस्कार बना रहे हैं, उसके द्वारा हमें फॉलो करना है। सबसे पहले सुबह उठते ही, आंखें खुलते ही मुस्कुरा देना है। क्या करना है? मुस्कुरा देना है। सुबह उठते ही आंखें खुलते ही क्या करना है? यहां से आपकी शुरुआत हो रही है। पहले तो मन प्रफुल्लित हो जाएगा। अच्छा, सभी मुरली सुनते हैं? मुरली में एक गाना आता है, मुरली से पहले ट्रैफिक अंकल, कौन सा गाना? बोलो बोलो। मैंने गीत गाने के लिए बोला, आपको डायरेक्ट बोल रहे हो, अंतर मन में ज्योति जगा दो। बोलो, अंतर मन में ज्योति जगा दो। लेकिन मैं आपको पूछना चाहूंगा, इस गाने का अर्थ आप बताना, अंतर मन में ज्योति जगा दो, सोच समझ के बताना। अंतर मन में कौन सी ज्योति जगा दी? देखा, फटाफट बोल दिया, बिल्कुल अच्छे आंसर दिए, आत्म ज्योति जगानी है। कौन कौन कह रहे हैं कि आत्म ज्योति जगानी है? जरा हाथ उठाओ। अरे वाह, मैं कहूंगा आप घर में रहते हो? नहीं नहीं, घर मेरे में रहती है, घर मेरे में रहता है, ये ठीक है? या मैं घर में रहता हूं? ये है आत्मा। ये क्या हुआ? आत्मा के अंदर क्या है? मन बुद्धि संस्कार। क्या है? मन बुद्धि संस्कार। मन के अंदर क्या है? अंतर मन। तो अंतर मन के अंदर कौन सी आत्मा जगह जगह हो गया? अभी तो बोला आत्म ज्योति जगानी है। कोई भी पॉइंट बोल देना, बस बाबा की मूर्ति है। जब सोच समझ के कार्य करेंगे ना तो शक्तिशाली बन जाएंगे। तो ज्ञान की ज्योति जगानी है। कौन सी ज्ञान? ज्ञान नहीं है, ज्ञान है, ज्ञान तो निरंतर फूट रही है, लेकिन शुभ संकल्प की रचना करनी है। वो तरीका हमें इस पांच तत्वों की शरीर द्वारा हमें जो बिगाड़ा है उसको सुधारना है। फिर देखो अंतर मन में संपूर्ण रूप से अच्छे फूल खिलने लगेंगे, संकल्प के फूल, फिर आपके जीवन दिव्य बन जाएगा। तैयार हो? तो सुबह उठते ही आंखें खुलते ही क्या करना है? मुस्कुराना है। सुबह उठते ही आंखें खुलते ही क्या करना है? अभी जो लाइन बोला आप बोल के लिखा, बोलो। नहीं बोली, सुबह उठते ही आंखें खुलते ही मुझे मुस्कुराना है। सभी अपने अपने बिस्तर, बेड पे, रूम पे सोए हुए हो, नींद खुली 3 बजे 2 बजे, गुड मॉर्निंग बाबा, मुंह धुला गया, उसके बाद कोई देख तो नहीं रहा है, कोई थोड़ी देख रहा है जो मुस्कुरा के बाबा
अगर देख लिया तो अभी बदलता नहीं है, क्योंकि हमारा तो रावण की सर्टिफिकेट है, डिग्री नहीं, अभी बदलना है। जैसे सुबह उठो आदत डालनी है, हो सकता है, क्योंकि हमारा जो अंतर मन है वो निरंतर पूछता है। जैसे जीन होता है ना, कौन सुना ना अलादीन की घटना, कहानी सुना ना, वो अलादीन की दिया से निकलता है वहां कर, पूछता है क्या चाहिए, क्या बोलता है, माताएं बोलो ना सही है, अभी बोल नहीं लिया, मैं कई माताएं बैठे हैं, बोलो क्या पूछता है, अंतर में निरंतर पूछता है क्या चाहिए। आज तो दिन भर मेरा बहुत काम नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ, ये सब काम कौन करेगा, ठीक है और भी दुखी हुआ है आपको, आज तो मेरा बेटा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बीमार हूँ, सिर दर्द हो रहा, ठीक है और भी दर्द होगा, क्योंकि जो चाहिए वो देगा। तो आपको क्या चाहिए, खुशी, आनंद, प्रेम, सत्युग में जाना चाहते हैं, बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए। तो अंदर में निरंतर पूछता है उसको, इसलिए सुबह उठते ही आंखें खुलते क्या करना है, ये जो सिकड़ा हुआ चेहरा है ना, वो कहेगा आज भी इसको दूध चाहिए क्योंकि चेहरा बिगड़ा हुआ है। अगर मुस्कुरा, अरे ये तो मुस्कुरा रहा है, आज दिन भर इसका अच्छा जाने वाला है। जिन्होंने ये प्रैक्टिस किया है, मैं एक ही नहीं हजारों नहीं लाखों की बात कर रहा हूँ, बहुत ही आनंद लुप्त उठा रहे हैं। कल से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, देखो कितना मजा आएगा। सुबह आंखें खुली और मुस्कुराना शुरू किया, हो सकता है, क्योंकि हमारा जो अंतर मन है, सत्युग में 24 घंटे काम करता था, लेकिन सत्युग में बाबा कहता है ना तलाई शक्ति हो गया, अर्थात अंतर मन काम नहीं करता है, अर्थात कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन कुछ समय है जो आपकी बातों को एक्सर्व कर लेता है, वो है सुबह उठते ही आंखें खुलते ही कुछ सेकंड के लिए, और धीरे धीरे आप उस सेकंड को बढ़ा सकते हो, अच्छे संकल्प दे, एक संकल्प देंगे, हो सकता है, करोगे, सबसे पहले मैं करके दिखाता हूं कैसे करना है कल सुबह, उसके बाद फिर आप करेंगे, ठीक है, मुस्कुरा के देखना था ना, मैं 1 2 3 कहूंगा सो जाऊंगा, नीचे नहीं सिर्फ ऐसे चढ़ा करूंगा, तो आप भी ऐसे ही करना, ठीक है। फिर उसके बाद एक कमेंट्री होगा, रात को सोने के बाद हम सभी क्या देखते हैं, बोलो ना ठीक से, रात को सोने के बाद क्या देखते हैं हम, अरे बोलो, स्वप्न देखते हैं, सोने के बाद और तो कुछ देखते नहीं, देख नहीं सकते, तो स्वप्न, एक स्वप्न की कमेंट्री होगी, और उसके बाद मैं उठूंगा फिर देखूंगा। तो ये सब मैं कैसे करता हूँ आप भी थोड़ा अभ्यास कर लेना, मैं 1 2 3 बोलता हूँ, बड़े ध्यान से मुझे देखना, इधर उधर मत देखो, बहुत अच्छा, 1 2 3 सो गए, गुड नाइट बाबा। अरे वाह, आकाश में उड़ रहा हूँ, कितना अच्छा हुआ, ये जंगल में दौड़ा थोड़ा, पीछे सांप दौड़ रहा है, बटन दौड़ रहा, वो अमेरिका में पहुंच गया, वाह सूक्ष्म बटन में, कितना अच्छा लग रहा है, चलो जो भी है सब बढ़िया, क्योंकि दिन भर मैंने अभ्यास किया है, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। 3:30 बज गया, बाबा ने उठा दिया, अलार्म बज गया, घंटी बज गई, 1 2 3 गुड मॉर्निंग बाबा, वाह कितना अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छा, सफलता ही सफलता, सफलता ही सफलता, सफलता ही सफलता, ठीक है, सिर्फ एक्टिंग करना है ना, वो धीरे धीरे अंदर मन की ओर जाएगा, आपके जीवन खुशहाल, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बन जाएगा। तैयार हो, अभी 1 2 3 को आप सब सो जाएंगे, ठीक है, मैंने जैसे किया, आप ऐसे नहीं, ऐसे मैं इतना बोलने की बात कही कि माता भाई ऐसे देखते हैं, मुझे ही देखते रहेंगे, नहीं आपको आंख बंद करना है, अभी ट्रेनिंग चल रही है, मैं जैसे बोलूंगा सभी आंख बंद करेंगे, ठीक है माता है, सब समझ गए, 1 2 3 बहुत अच्छा, पास हो गए सभी, बहुत अच्छे, सपने आप बदमन में घूम रहे हो, बाबा के डायमंड हॉल में बैठे हुए हो, अरे माता है आप बंद करो आंखें, मुझे क्यों देख रहे हो, एक मिनट सभी माता आंखें खोलो, खोलो खोलो खोलो, ये लगता है माता को समझ में नहीं आ रहा है, भाई लोग सभी खोलो,
माता ऐसे करे। आपको समझ में आया, पहले मैं करके दिखाया ऐसे भी। ये ट्रेनिंग आप करोगे तो कल से शुरू हो सकती है आपका। सबको कैसे करना देखो, ऐसे गर्दन टेढ़ा करना, आंखें बंद कर ली है। फिर जब मैं 1 2 3 कहूंगा सप्न कमेंट्री के बाद, आपको धीरे से उठना है, कुछ सेकंड देना है, पहले मुस्कुराना है, ब्रह्मणी बाबा, ठीक है। वो तो फिल्म में एक्टिंग करते हैं, डायरेक्टर सिखाता है, यहां बाबा आपको सिखा रहा है ना। चलिए स्टार्ट, 1 2 3 सब सो गए। वाह बहुत अच्छा। बॉम्बे में गए, इंडिया गेट के पास घूम रहे हैं, चलो देखा नहीं तो कोई बात नहीं, दिल्ली के कुतुब मीनार, ये जंगल में पहुंच गए, सूक्ष्म बदन में ब्रह्मा के पास। अरे पीछे से बड़ा सा शेर भाग रहा है, भागा भागा भागा, कोई बात नहीं। 3:30 बज गया, बाबा ने आके उठा दिया। 1 2 आंख बंद करो बाबा जी, 1 2 3 गुड मॉर्निंग बाबा, बोलो थोड़ा एक्सप्रेशन, गुड मॉर्निंग बाबा। देखो इतना कहने की बात नहीं, माता ऐसे देखे 3-4 ज्यादा नहीं, 4-5 माता मेरे देखा ऐसे देखे, करना ही नहीं होगा। अरे करोगे तो पाओगे, आज तक जो नहीं हुआ ना वो होने वाली है। सचमुच आपकी संकल्प शक्ति की ऊर्जा से आप नहीं चाहते कि आपके परिवार में सबको दिव्यता बाबा का अनुभव हो। हर भट्टी के एक अनुभव में बताऊ, आज तक 800 भट्टियां हो चुकी है और हर भट्टी में ये एक्सपीरियंस रहा, जिन्होंने फरिश्ता बना के छोड़ दिया, जो कभी नहीं आते थे ब्रह्मा कुमारी आश्रम को गाली देते थे कि वहां क्यों जा रहे हो ऐसे ऐसे, वो खुद आके भट्टी में आके बैठते हैं पीछे और कहते हैं मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, और 8-8 घंटे बैठते हैं। वो तब हुआ जब आपने ये प्रयोग सारे सीखा, फरिश्ता रूप भेजा, जब फरिश्ता रूप भेजने के लिए ये सारे तरीका सिखाया जा रहा है, फिर भी आपको तो करना ही नहीं है ऐसे, तो आंखें बंद नहीं होती। अरे ट्रेनिंग चल रही है, चलो और एक बार करते हैं, सभी बातों बंद करना, ठीक है। 1 2 3 सो गए। वाह ये तो पड़ोसी के घर में घूम रहे, नदी के किनारे घूम रहे, बहुत अच्छा, मधुबन पहुंच गए, बाबा से मिलन हो रही है, सूक्ष्म तक स्वर्ग में पहुंच गए। माता जी अभी भी आपके आंख खोलिए, बंद करो ना। हाँ बहुत अच्छा, कितनी अच्छी नींद आई, सब बढ़िया, आनंद आ गया, मजा आ गया, अभी बाबा के उठा दिया 3:30 बजे। 1 2 3 देखो रास्ते में आप जब जाते हो सबसे पहले एक दूसरे से मिलते हो, पहले मुस्कुराते हो या पहले बोलते हो कैसे हो? पहले मुस्कुराते हो बाद में कैसे हो पूछते हो, है ना, या पहले बोलते हो कैसे हो? नहीं पहले, अरे कैसे हो, हाँ या ना। तो सबसे पहले अंदर मन को मुस्कुराहट की नजारा देना है, ताकि आपकी चारों तरफ अच्छा 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 हो जाए।